हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीए जयेश पोपट फ्रॉम द प्रेपराइड इंस्टीट्यूट कोलकाता। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेरी वेल। इस वीडियो में मैं हमारे सीए फाउंडेशन की जो टेस्ट सीरीज है, जिसका पहला टेस्ट हुआ है कल, विच इज 19th of April, उसके सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे जो यूट्यूब फैमिली है, उन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया एंड देर 250+ पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने ये टेस्ट दी अदर देन आर लाइव एंड पेन ड्राइव स्टूडेंट्स। और मैं चाहता हूं कि और लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और इस टेस्ट सीरीज का एडवांटेज ले। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे जो अकाउंट्स का क्वेश्चन पेपर था, जो चैप्टर वाइज टेस्ट हमने ली थी, उसके क्वेश्चन पेपर के सारे आंसर्स मैंने ड्राफ्ट किए और ये ड्राफ्टेड आंसर्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जिन लोगों ने ये टेस्ट दिया है, प्लीज टाइम निकालकर प्रॉपरली इसका आंसर्स आप देखें, जहां जहां आपकी मिस्टेक्स हुई है उसको आइडेंटिफाई करें और अपना कॉन्सेप्ट करेक्ट कर ले। अगर किसी ने टेस्ट दी नहीं है बट वो फ्यूचर में टेस्ट देने वाले हैं, तो इस वीडियो को वो ना देखें, टेस्ट देने के बाद इस वीडियो को आप देखें। और अगर आपको एज एडिशनल क्वेश्चंस प्रैक्टिस अगर इस वीडियो को देखना है, तो इस क्वेश्चन पेपर का लिंक मैं वीडियो में लगा दूंगा, साथ में ये आंसर सॉल्यूशंस भी लगा दूंगा, तो यू कैन वॉच दैट। जो लोग फर्स्ट टेस्ट मिस कर चुके हैं और उन्हें फ्यूचर टेस्ट देने हैं, उनके लिए मैं एक बार ये टेस्ट शेड्यूल डिस्प्ले कर दे रहा हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये टेस्ट शेड्यूल मिलेगा, तो जो फ्यूचर टेस्ट होने वाली है वो आप दे सकते हैं। टेस्ट देने का प्रोसीड्योर क्या रहेगा, यू हैव टू फिल द गूगल फॉर्म, गूगल फॉर्म का लिंक अटैच्ड होगा, ये बेहद जरूरी है अगर आपको टेस्ट में अपियर करना है। इसके बाद ऐप आपको हमारा डाउनलोड करना है, इस ऐप का भी लिंक वहां पे दिया रहेगा। आपके ऐप डाउनलोड करने के बाद हम हमारे टेस्ट सीरीज के बैच में आपको ऐड कर लेंगे और असाइनमेंट सेक्शन में आपको क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे ऑन द रेलेवेंट डेट्स। जो टेस्ट होता है वो 2 बजे का टाइम रहता है और हम हमारे ऐप में रेगुलर अनाउंसमेंट करते रहते हैं, तो यू विल बी पोस्टेड। एंड इंश्योर करना कि ये इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल बटन हिट करें, सो दैट जो भी फ्यूचर अनाउंसमेंट होंगे, जो क्वेश्चन पेपर्स अपलोड होंगे, या मे बी जो हम आंसर्स डिस्कस करेंगे, जो रिविजन वीडियोज हम अपलोड करेंगे, सारा कुछ आप तक समय तक पहुंचता रहे। नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन पेपर ऑफ अकाउंट्स। हमने अकाउंट्स का टेस्ट लिया था एंड एज यू वुड सी के इस टेस्ट में हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बीआरएस, डेप्रिसिएशन, फाइनल अकाउंट, सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल, एवरेज ड्यू डेट ऑन अकाउंट करंट के टॉपिक्स कवर किए थे। जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो 22nd April को है, तो आई एम श्योर कि आप इसकी भी तैयारी कर रहे हैं। नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन पेपर। देखो बेटा, क्वेश्चन पेपर में जो सबसे पहला क्वेश्चन था ना, दैट वाज ट्रू एंड फॉल्स। मतलब आपको आइडेंटिफाई करना था कि जो स्टेटमेंट दिया गया है वो सही है कि गलत है, और साथ ही साथ आपको उसका रीजन भी लिखना था। जो मार्किंग स्कीम मैंने आपको प्रोवाइड की थी, जहां पे आपको सेल्फ चेक करना था मार्किंग स्कीम देखकर, वहां पे मैंने स्पेसिफिकली नोट दिया था कि अगर किसी ने ट्रू या फॉल्स खाली लिखा है बट उसका रीजन नहीं दिया है, तो उसको कोई भी मार्क अवॉर्ड नहीं होंगे। तो खाली ट्रू एंड फॉल्स लिखने से नहीं होगा, आपको उसका रैशनल भी बताना होगा। अभी हर एक सिनेरियो को हम यहां पे डिस्कस करते हैं। आपका जो क्वेश्चन पेपर रहता है एग्जाम का, इसका ये पार्ट रहता है ट्रू एंड फॉल्स वाला, और इसको अच्छे से करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 1। देखो पहला पॉइंट जो बोल रहा है, ठीक है, पहला पॉइंट देखो यहां पर जो बोल रहे हैं, दे आर सेइंग that the rationale behind opening a suspense account is to tally the trial balance. अभी ध्यान दो, obviously जो suspense account picture में आता है वो तभी आता है जब हमारे trial balance का debit और credit side mismatch हो। तो क्या suspense account को हम use करके trial balance को match करके भूल जाते हैं? Answer is no. Suspense account किस nature का account है? एक temporary account है, right? पेंडिंग फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, राइट? हम एक कन्वीनियंस के पर्पज से इस सस्पेंस अकाउंट को ओपन करते हैं एंड देन हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है कि सस्पेंस अकाउंट के द्वारा जो एरर्स रिप्रेजेंटेड है उसको आइडेंटिफाई करें और इसको रिजोल्व करें। तो इसका जो आंसर होगा वो फॉल्स होगा, बिकॉज दैट्स नॉट द रैशनल बिहाइंड ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट।
इट इज टू अवॉइड डिले इन प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रही है आपकी, तो इनफाइनाइट टाइम तक आप मिसमैच के साथ नहीं बैठ सकते हो. मोमेंटरीली आपको उस मिसमैच को सस्पेंस में पार्क करना है सो दैट आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन का प्रोसेस ऑन हो जाए. एंड इन द मीनवाइल आपकी यही कोशिश रहनी चाहिए कि इन एरर्स को, ओमिशंस को आइडेंटिफाई करें और इनको रेक्टिफाई किया जाए. तो यहां पे आंसर आपका है फॉल्स. सेकेंड पॉइंट जो दिया है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज फॉलोड टू हैव अ यूनिफॉर्म चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस टुगेदर. देखो ये आंसर ट्रू है. अभी इसका देखो मैं आपको एक रीजन बताता हूं. व्हाट हैपेंस इज के SLM मेथड के अंदर जब हम स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करते हैं, एक सेम अमाउंट ऑफ चार्ज हमारा पड़ता है इन रिलेशन टू डेप्रिसिएशन. और जब हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉलो करते हैं तो ईयर बाय ईयर हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम होते रहता है. इसका देखो लॉजिक क्या है. समझो कि ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री, ईयर फोर और ईयर फाइव है. लेट्स से एक मशीनरी है जिसके लिए हम यहां पे 20,000 का डेप्रिसिएशन पर ईयर चार्ज कर रहे हैं अंडर दी स्ट्रेट लाइन मेथड. मान लेते हैं कि 2,00,000 का मशीन है और 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है. बट अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हम फॉलो करेंगे तो यहां पे ईयर बाय ईयर, ईयर बाय ईयर, ईयर बाय ईयर हमारा जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो कम होते जाएगा. बट देखो होगा क्या कि जैसे जैसे मशीन पुराना होते जाता है, व्हाट हैपेंस इज कि इसके रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ने लगता है. मे बी पहले साल में इसका खाली 1,000 का रिपेयर एंड मेंटेनेंस लगा, दूसरे साल में मे बी 3,000 का रिपेयर एंड मेंटेनेंस लगा, थर्ड ईयर में मे बी 5,000 का रिपेयर एंड मेंटेनेंस लग गया, मे बी 9,000 का उसके बाद लग गया, लास्ट ईयर में मे बी 12,000 का रिपेयर एंड मेंटेनेंस लग गया. तो देखो जो टोटल चार्ज है हमारा जो पीएल में जा रहा है इस मशीन के रिलेशन का, राइट, दिस टोटल चार्ज इज इंक्रीजिंग. देखो एवरी ईयर जो चार्ज हमारा पीएल में जा रहा है वो इंक्रीज होते जा रहा है. बट अगर हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉलो करें इसी 2,00,000 की मशीनरी के ऊपर, तो देखो पहले साल में तो 20,000 का डेप्रिसिएशन आएगा, ठीक है, बट जो नेक्स्ट ईयर है उसमें WDV 1,80,000 हो जाएगी, तो 18,000 का यहां पे डेप्रिसिएशन आएगा. अभी उसके नेक्स्ट ईयर 16,200 का डेप्रिसिएशन आएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो देखो यहां पे क्या होगा ना कि रिपेयर्स तो सेम ही रहेगा, सो देखो व्हाट इज हैपनिंग, यहां पे 21,000 आया अमाउंट, यहां पे भी 21,000 अमाउंट आया, यहां पे आपका 21,200 आया. तो बेसिकली क्या होगा ना, जब हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉलो करते हैं ना तो पीएल में एक यूनिफॉर्म चार्ज आता है बिकॉज द डेप्रिसिएशन कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एंड द रिपेयर्स कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. तो जो चार्ज है पीएल का वो नॉर्मलाइज हो जाता है, वेर एज स्ट्रेट लाइन मेथड में देयर इज एन इंक्रीजिंग चार्ज टू पीएल. सो ये रैशनल के बेसिस पे ये क्वेश्चन बनाया गया था. इसका आंसर इज ट्रू. इन करंट अकाउंट रेडिंग इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज ए नेगेटिव इंटरेस्ट. तो देखो ये भी हमारा स्टेटमेंट ट्रू है बिकॉज रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि जिस डेट को ये स्टेटमेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं अगर उसके बियॉन्ड हमारा ड्यू डेट फॉल कर रहा है तो उसका जो इंटरेस्ट है, राइट, हम क्या करते हैं जो डेट ऑफ स्टेटमेंट है उससे लेकर टिल द सब्सिक्वेंट ड्यू डेट तक कैलकुलेट करते हैं ऑन द ऑपोजिट साइड. सो बेसिकली इट्स अ नेगेटिव इंटरेस्ट. Then a tallied trial balance means that books of accounts have been prepared as per accepted accounting principle. तो क्या ट्रायल बैलेंस टैली हो जाने से कंक्लूसिव एविडेंस मिल जाता है कि हमारे अकाउंट्स में कोई भी गलती नहीं हुई है? आंसर इज नो. बिकॉज हो सकता है कि कुछ ऐसे एरर्स है, मे बी एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, कॉम्पनसेटिंग एरर्स एटसेट्रा, जिसका ट्रायल बैलेंस के ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं है, बट फिर भी ऐसा हो सकता है कि ये एरर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड हमारे फाइनेंशियल
ऑफिशियल स्टेटमेंट सही पिक्चर शो नहीं कर रहे हैं। तो इसका आंसर हमारा होगा फॉल्स, के भी ट्रायल बैलेंस टैली होना इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस। देन देखो क्या बोल रहे हैं, गुड्स वर्थ 600 वर टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज शुड बी क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट। देखो उल्टा बोला ना, अगर प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ विड्रॉ करता है सो बेसिकली इसकी एंट्री क्या बनती है, इसकी एंट्री बनती है ड्रॉइंग्स टू परचेस, राइट। तो यहां पे हमें जो कैपिटल अकाउंट है अल्टीमेटली ये ड्रॉइंग्स कहां पे जाता है, कैपिटल अकाउंट में, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होना चाहिए और जो परचेज है वो क्रेडिट होना चाहिए। तो इन्होंने उल्टा लिखा है, दैट इज व्हाई द आंसर इज फॉल्स। देन विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय प्रोप्राइटर शुड बी चार्ज टू पीएल, ऑब्वियसली ये भी फॉल्स है बिकॉज प्रोप्राइटर जो पैसा बिजनेस से विड्रॉ करता है दैट इज ट्रीटेड एज ड्रॉइंग्स फॉर दी बिजनेस। तो होपफुली बाय दिस कॉन्सेप्चुअली आप ये सारे पॉइंट्स को लेकर क्लियर हो। अभी हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज ऑन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। एक एक करके इन एंट्रीज को हम पढ़ेंगे और इसके बाद इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज हम समझेंगे। सो देखो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, गुड्स ऑफ वैल्यू रूपीज 10,000 रिटर्न्ड बाय मिस्टर शर्मा वर एंटर्ड इन सेल्स डे बुक। तो मतलब बेसिकली सेल्स रिटर्न को हमने सेल्स के तरह ट्रीट कर लिया है एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, राइट। मतलब हमने मिस्टर शर्मा के अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट। ध्यान से समझो, ये एक सेल्स रिटर्न है, राइट। ये ट्रांजैक्शन किसके ऊपर बना है, सेल्स रिटर्न के ऊपर बना है, जिस सेल्स रिटर्न को हमने सेल्स के तरह ट्रीट कर लिया है। तो देखो व्हेन देयर इज अ सेल्स रिटर्न, एंट्री क्या होगी, करेक्ट एंट्री सेल्स रिटर्न की। करेक्ट एंट्री सेल्स रिटर्न की होती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, तो ये सही एंट्री होनी चाहिए थी। बट गलती से हमने क्या किया, इसको सेल्स के थ्रू रूट कर दिया, मतलब सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। बट साथ ही साथ ये बोल रहे हैं कि पार्टी अकाउंट को भी हमने क्रेडिट किया, तो यहां पे देखो दो अकाउंट क्रेडिट हो गए हैं। रॉन्ग एंट्री जो है ना उसमें सेल्स तो क्रेडिट हुआ बिकॉज हमने इसको सेल्स डे बुक के थ्रू रूट कर दिया, बट हमने पार्टी को भी क्रेडिट किया, राइट। हमने पार्टी को भी क्रेडिट किया, तो इस वजह से हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दोनों अकाउंट क्रेडिट हुए और इस वजह से ट्रायल बैलेंस में एक 20,000 का सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो देखो बाय दिस हमने करेक्ट एंट्री देख ली कि भाई सेल्स रिटर्न की करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, सेल्स रिटर्न टू पार्टी। यहां पे गलती क्या हुई, सेल्स रिटर्न को सेल्स के तरह ट्रीट कर लिया बट पार्टी को डेबिट नहीं किया, हमने पार्टी को क्रेडिट किया। तो पार्टी तो क्रेडिट होना चाहिए था, हमने गलत एंड ट्रीटमेंट में भी पार्टी को क्रेडिट ही किया है, तो पार्टी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो अलग अलग लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को अलग अलग तरीके से करते हैं। मैं आपको एक सिंपल मेथड बताऊंगा जिससे हमेशा आपका जो आंसर है वो सही बनेगा। आपने करेक्ट एंट्री विजुअलाइज करनी है, आपने रॉन्ग एंट्री विजुअलाइज करनी है, उसके बाद क्या करना है, आपको रिवर्स द रॉन्ग एंट्री, जो रॉन्ग एंट्री है उसको रिवर्स करना है और जो करेक्ट एंट्री है उसको पास करना है। देखो कैसे मैं समझाता हूं, यहां पे रॉन्ग एंट्री में सस्पेंस डेबिट हुआ, सेल्स और शर्मा क्रेडिट हुए, तो देखो हम क्या करेंगे, ये हमारी रॉन्ग एंट्री है, राइट। दिस पोर्शन रिप्रेजेंट्स आवर रॉन्ग एंट्री, इसको देखो हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, सेल्स और शर्मा को हमने डेबिट कर दिया और सस्पेंस को क्रेडिट। फिर क्या बोला, पास दी करेक्ट एंट्री, तो करेक्ट एंट्री में सेल्स रिटर्न को डेबिट करना था हमने डेबिट साइड में लिखा और हमें शर्मा को क्रेडिट करना था हमने क्रेडिट साइड में लिखा। देखो इससे क्या हुआ, शर्मा डेबिट शर्मा क्रेडिट नॉक ऑफ हो गया और ऑब्वियसली बात है शर्मा के अकाउंट में कोई प्रॉब्लम था नहीं, तो शर्मा अकाउंट रेक्टिफिकेशन एंट्री में आना नहीं चाहिए। सो नेट रेक्टिफिकेशन देखो हमारा क्या बना, सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे बिकॉज उसको डेबिट किया नहीं था, सेल्स को भी डेबिट करेंगे बिकॉज गलती से क्रेडिट किया था तो उसका इम्पैक्ट हटाने के लिए सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा और सस्पेंस अकाउंट को 20,000 से हम क्रेडिट करेंगे। तो भाई पहला जो हमारा रेक्टिफिकेशन का सम था उसमें फर्स्ट पॉइंट का आंसर है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अभी सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं, लेट अस रीड द सेकेंड एडजस्टमेंट।
बोला एन अमाउंट ऑफ 15,000 एंटर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक हैज बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ फिलीप हु रिटर्न दी कुछ. तो एक सेल्स रिटर्न हुआ, उसको हमने सेल्स रिटर्न बुक में ही रिकॉर्ड किया, बट पार्टी अकाउंट को क्रेडिट करने के जगह हमने डेबिट कर दिया. सो देखो, सेल्स रिटर्न की सही एंट्री, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सेल्स रिटर्न को डेबिट करते और फिलिप जो पार्टी है उसको क्रेडिट करते. गलती हमने क्या की, हमने सेल्स रिटर्न को डेबिट किया बट साथ ही साथ पार्टी अकाउंट को भी डेबिट कर लिया. बोला ना यहाँ पे वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ फिलिप अकाउंट. तो भाई सेल्स रिटर्न भी डेबिट हुआ और पार्टी अकाउंट भी डेबिट हुआ, एंड देयरफॉर ट्रायल बैलेंस में एक सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो गया. अभी सिस्टम हमारी सेम ही रहेगी, इसको रेक्टिफाई करने की क्या करेंगे, यहाँ पे रिवर्स द रॉन्ग एंट्री एंड पास द करेक्ट एंट्री. तो देखो, ये हमारी रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करते हैं, सस्पेंस को डेबिट कर देंगे, सेल्स रिटर्न और फिलिप अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, एंड पास दी करेक्ट एंट्री. तो करेक्ट एंट्री में जो सेल्स रिटर्न है उसको हम डेबिट करेंगे, जो फिलिप है उसको हम क्रेडिट करेंगे. तो देखो नेट इम्पैक्ट क्या बनेगा, सेल्स रिटर्न डेबिट किया, सेल्स रिटर्न क्रेडिट किया, नॉक ऑफ. ऑब्वियसली सेल्स रिटर्न में कोई गलती नहीं थी, बिकॉज करेक्ट एंट्री जो होनी चाहिए थी डेबिट, वही रॉन्ग एंट्री में भी डेबिट हुआ था. नेट एंट्री क्या बनेगी इसकी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू फिलिप अकाउंट. और ये रूल हमेशा याद रखना है कि जब भी किसी पार्टी को डेबिट के जगह क्रेडिट या क्रेडिट के जगह डेबिट हम कर देते हैं, द रेक्टिफिकेशन इज ऑलवेज द डबल द अमाउंट. नेक्स्ट आइटम पे चलते हैं. इट सेज अ सेल ऑफ ₹20,000 मेड टू मिस्टर घनश्याम वॉज करेक्टली एंटर्ड इन दी सेल्स बुक. मतलब सेल्स में कोई भी गलती नहीं है, बट वॉज रॉन्गली पोस्टेड टू दी डेबिट ऑफ राधेश्याम. मतलब घनश्याम को डेबिट करने की जगह हमने राधेश्याम को डेबिट किया, और कितने से डेबिट किया, 2000 से. और डेबिट होना कितने से चाहिए था, 20,000 से, बिकॉज सेल्स कितने का है, 20. तो ध्यान से समझते हैं. देखो दो पार्ट, एक वी सोल्ड गुड्स टू मिस्टर घनश्याम और उसको सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड किया. तो देखो सही एंट्री इसकी क्या होनी चाहिए थी, घनश्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000. बट गलती क्या की, घनश्याम को नहीं डेबिट करके हमने राधेश्याम को डेबिट किया, और जो डेबिट भी किया वो गलत अमाउंट से किया, 20,000 के जगह 2,000 से हमने उसको डेबिट किया. तो देखो इसका भी सोल्यूशन देखते हैं हम. करेक्ट एंट्री शुड हैव बीन घनश्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 20,000. गलत हमने क्या किया, सेल्स को क्रेडिट किया बट डेबिट किसको किया, राधेश्याम को इंस्टेड ऑफ घनश्याम, विद व्हाट अमाउंट, 2,000. सो डेबिट 2,000 से और क्रेडिट 20,000 से, मतलब हमारे अकाउंट्स में एक 18,000 का सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो गया. अभी देखो इसको रेक्टिफाई कैसे करना है, रिवर्स द रॉन्ग एंट्री एंड पास द करेक्ट एंट्री. तो सस्पेंस और राधेश्याम को हम क्रेडिट करेंगे और सेल्स को हम डेबिट करेंगे. इनकॉर्पोरेट द करेक्ट एंट्री, घनश्याम को डेबिट करेंगे और सेल्स को क्रेडिट. तो देखो सेल्स डेबिट में भी है, सेल्स क्रेडिट में भी है, नॉक ऑफ हो गया. हमारी नेट एंट्री क्या बनी, घनश्याम डेबिट 20,000 टू सस्पेंस 18,000 टू राधेश्याम 2,000. एब्सोल्युटली क्लियर ना? अगर कोई भी डाउट इसमें रहेगा प्लीज रीच आउट टू मी, मे बी कमेंट सेक्शन में लिखो, मे बी हमारे ऐप में जो चैट फीचर है या जो वॉइस नोट भेजने का फीचर है उसको यूज करके यू कैन गेट इन टच विथ मी. देन लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. बैड डेट्स एग्रीगेटिंग ₹45,000 वर रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर. मतलब हमने ड्यूरिंग द ईयर बैड डेट राइट ऑफ किया. देखो बैड डेट राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स. क्लियर है ना ये? फिर देखो क्या बोल रहे हैं, बैड डेट्स एग्रीगेटिंग ₹45,000 वर रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर इन द सेल्स लेजर बट वर नॉट एडजस्टेड इन दी जनरल लेजर. अभी देखो ये कैच पॉइंट है, ये समझने आना जरूरी है कि भाई सेल्स लेजर में तो इम्पैक्ट आया बट जनरल लेजर में इम्पैक्ट नहीं आया. देखो सेल्स लेजर मतलब क्या होता है, सेल्स लेजर मतलब डेटर्स अकाउंट, राइट? सेल्स लेजर का मतलब क्या होगा, डेटर्स अकाउंट. देखो क्या होता है ना,
प्रैक्टिकल लाइफ में एक बिजनेस एंटिटी के बहुत सारे डेटर्स और बहुत सारे क्रेडिटर्स होते हैं, तो फॉर एफिशिएंसी क्या करते हैं ना, अलग अलग बुक्स मेंटेन करते हैं। मतलब एक बुक यूज करेंगे जहां पे सारे डेटर्स के अकाउंट हम ओपन करेंगे, एक बुक मेंटेन करेंगे जहां पे हम सारे क्रेडिटर्स के अकाउंट ओपन करेंगे, और एक बुक ओपन करेंगे जिसको बोलेंगे जनरल लेजर, जिसमें बाकी सारे अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। जिस बुक में, ध्यान से सुनना, जिस बुक में हम लोग सारे डेटर्स के अकाउंट मेंटेन करते हैं उसको बोलते हैं सेल्स लेजर। जिस बुक में हम लोग क्रेडिटर्स, सारे क्रेडिटर्स के अकाउंट मेंटेन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हमारा परचेज लेजर। और बाकी जितने भी अकाउंट्स है ना, मतलब सेल्स, परचेज, एक्सपेंसेस, इनकम्स, जो सारा बुक, जो सारे अकाउंट जिस बुक में मेंटेन्ड होते हैं उस बुक को हम लोग बोलते हैं जनरल लेजर। तो यहां पे ध्यान देना, सेल्स लेजर का मतलब क्या हुआ? सेल्स लेजर का मतलब वो बुक जिसमें डेटर्स के अकाउंट मेंटेन होते हैं। मतलब डेटर को हमने सही से ट्रीट किया बट बैड डेट की एंट्री हमने रिकॉर्ड नहीं की। इसका उल्टा भी आ सकता है कि भाई परचेज रिलेटेड अगर कुछ हो तो परचेज लेजर में हुआ, परचेज लेजर में हुआ मतलब क्रेडिटर्स को इंपैक्ट हुआ है, दूसरा साइड इंपैक्ट नहीं हुआ। तो डेटर्स एग्रीगेटिंग 45,000 वर रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर इन द सेल्स लेजर, मतलब डेटर अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया बट वर नॉट एडजस्टेड इन द जनरल लेजर, मतलब जनरल लेजर में डेटर के अकाउंट में इसकी एंट्री पड़ी नहीं। सो देखो हुआ क्या है यहां पे, इसकी सही एंट्री क्या होती, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। बट रॉन्ग जो हुआ, जो गलती हुई वो क्या हुई कि हमने डेटर्स को क्रेडिट किया बिकॉज सेल्स लेजर में इसकी एंट्री पड़ी बट जनरल लेजर में इसकी एंट्री हमने रिकॉर्ड नहीं की। तो एक ही साइड ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हुआ, तो ऑब्वियसली जब ट्रायल बैलेंस को मैच किया होगा आर्टिफिशियली तब एक सस्पेंस क्रिएट हुआ होगा 45,000 का। अभी इसको रेक्टिफाई करने की मेथडोलॉजी सिंपल है, रिवर्स द रॉन्ग एंट्री, पास द करेक्ट एंट्री। तो यहां पे रॉन्ग एंट्री में हम सस्पेंस टू डेटर है तो डेटर टू सस्पेंस हम कर देंगे, और जो करेक्ट एंट्री है वो है बैड डेट टू डेटर्स, तो हम लोग बैड डेट टू डेटर्स पास कर देंगे। देखो डेटर डेटर कैंसिल हो जाएगा बिकॉज डेटर में तो कोई गलती हुई नहीं थी, तो डेटर का रेक्टिफिकेशन में कोई भी काम नहीं है। हमारा जो रेक्टिफिकेशन एंट्री बना वो क्या बना, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, राइट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अभी और एक चीज बता रहा हूं कि जिन लोगों को मे बी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, हमारे यूट्यूब चैनल में अगर आप जाओगे ना, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको देखो तीन टॉपिक मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के आपको मिनी वीडियोस मिलेंगे, मिनी वीडियोस मतलब हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने एक छोटे छोटे वीडियोस बना के डाले हुए हैं। बेसिकली ये वीडियोस क्या है, लाइव क्लास में जो हम लोगों ने कवर किया है उसको मैंने पोर्शन में डिवाइड कर दिया, सो दैट जिसको जो पोर्शन में डाउट हो वो वीडियो देख सकते हैं, आप चाहो तो पूरा भी देख सकते हो। तो ये आपको जो प्लेलिस्ट मिलेगा, एज ऑफ नाउ यू विल गेट इट ऑन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, यू विल गेट इट ऑन बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, यू विल ऑल्सो गेट इट ऑन ये कौन सा टॉपिक, डेप्रिसिएशन के ऊपर भी। हाँ, मैंने डेप्रिसिएशन के ऊपर भी डाला हुआ है, और भी काफी वीडियोज है जो हम लोग ओकेजनली डालते रहते हैं, तो उन सबको भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट अपन चलते हैं पॉइंट नंबर 5, द टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ सितंबर ₹25,000 वॉज नॉट पोस्टेड। मतलब आप सबने देखा होगा, राइट, आप सबने देखा होगा जब ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनता है, राइट, तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में एक कैश का, दूसरा बैंक का, तीसरा डिस्काउंट अलाउड का कॉलम रहता है। तो ये जो डिस्काउंट अलाउड का जो कॉलम है ना, उसका टोटल कहां पोस्ट होता है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में, तो ये पोस्टिंग नहीं हुई। तो देखो इससे जब डिस्काउंट हम अलाउ करते हैं एंट्री क्या करते हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, तो ये करेक्ट एंट्री होगी। बट गलती क्या किया, पार्टी अकाउंट को तो एडजस्ट किया बट हमने डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में पोस्टिंग करना भूल गए। तो भाई पार्टी को तो इम्पैक्ट आया बट डिस्काउंट अलाउड इम्पैक्ट नहीं हुआ, उसके ट्रायल बैलेंस में एक 25,000 का सस्पेंस क्रिएट हो गया। अभी मेथड इजी सेम, रिवर्स द रॉन्ग एंट्री, तो हमने पार्टी टू सस्पेंस कर दिया, रिकॉर्ड दी,
करेक्ट एंट्री देखो पार्टी पार्टी नॉक ऑफ हो गया बिकॉज पार्टी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था. हमारा रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बन गया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. देखो ये जो सब मैंने आपको कराया ना, मैंने करेक्ट रॉन्ग और रेक्टिफिकेशन सारा कुछ लिख के कराया. देखो हो सकता है कि एग्जाम में आपके पास इतना समय ना रहे कि आप इस तरह से बना सको. आइडियली जो आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए वो मैंने जो मार्किंग स्कीम आपके साथ शेयर की थी वहां पे उस तरह का प्रेजेंटेशन करके मैंने आपको दिखाया था कि आइडियली जो आपका इसका प्रेजेंटेशन होना चाहिए वो इसी तरह जर्नल के फॉर्म में होना चाहिए इन द बुक्स ऑफ जर्नल, और करके आपको नरेशन के साथ सारी एंट्रीज यहाँ पे पास करनी है. तो ये करेक्ट रॉन्ग और रेक्टिफिकेशन एंट्री करके जो हम कर रहे हैं ये बेसिकली हमें हेल्प करता है कि भाई हमें मेंटली ना करना पड़े और हम लोग लिख के देख ले. बट मे बी यू मे नॉट हैव टाइम, तो इस टॉपिक की ग्रिप बनानी बहुत ही जरूरी है. एंड बी रेस्ट अश्योर्ड कि इस टॉपिक से 10 मार्क का क्वेश्चन जरूर आएगा, डेफिनेटली इट विल कम इन योर एग्जाम. तो इस टॉपिक को प्लीज प्रॉपरली प्रिपेयर कर लेना. मैं रिविजन लेक्चर्स में भी इसको कवर करूंगा, बट अगर अभी आपको कोई डाउट है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके इसको देख सकते हो. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इससे भी 10 मार्क का क्वेश्चन जरूर आएगा और इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है. सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने इन डिटेल आपको बताए हुए हैं वहां पे. सो इन केस यू आर फेसिंग प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक प्लीज गो अहेड एंड वॉच दैट. चलो अभी इसको पढ़ते हैं. इट सेज ऑन 30th November 2018 द कैश बुक ऑफ मिस्टर हरी शोड एन ओवरड्रॉन पोजिशन ऑफ 4480. तो दिस इज ओडी एज पर कैश बुक. An examination of the two records shows the following error. तो ये सारी errors की यहां पे details दी गई है. अभी देखो ये sum start करने से पहले OD के sum को जब भी हम deal करेंगे ना, एक चीज हमेशा याद रखना कि OD balance भी हम positive sign में लिखते हैं. जो लोग OD को negative बोलते हैं वो बोलना छोड़ दो, because देखो हमारे accounts में concept क्या है, debit और credit का. तो ये book से हम balance उठा रहे हैं ना, तो इसको negative नहीं बोलना चाहिए. और जब हम BRS भी बनाते हैं OD का जो amount होता है उसको भी एक absolute या positive number में लिखते हैं. जब भी इन तरह के सम को हम सॉल्व करेंगे ना, एक चीज हमारे माइंड में बहुत ही क्लियर होनी चाहिए कि व्हेनेवर वी मेक अ पेमेंट, ध्यान से सुनना, व्हेनेवर वी मेक अ पेमेंट द ओडी विल इंक्रीज. राइट, व्हेनेवर वी विल मेक अ पेमेंट द ओडी विल इंक्रीज. और जब भी बैंक में हमारे पैसा आएगा, जब भी रिसीट होगा, तब हमारा ओडी बैलेंस कम होगा. मतलब ओडी क्या है, इट्स लाइक अ लोन टेकन फ्रॉम द बैंक. लोन लिया है और बैंक के द्वारा और हमने पेमेंट किया तो हमारा लोन का बैलेंस बढ़ गया. लोन लिया हुआ है बट हमने कुछ पैसे हमारे बैंक में जमा कर दिए, रिसीट हुआ, तो हमारा ओडी का बैलेंस कम हो गया. ये पर्सपेक्टिव हमारा एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए. अभी एक एक करके पढ़ते हैं हम सारे एडजस्टमेंट को. सबसे पहले बोला है डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक इज अंडर कास्ट बाय रुपीज 400. अभी ध्यान देना यहां पे, सबसे पहले तो हम जो स्टार्ट करेंगे हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, वील से मिस्टर हरी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th November 2018 एंड वील से बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, और जो हमारे ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है वो हमने लिख लिया. फिर अप्रोप्रिएट स्पेस छोड़ के एक सेक्शन बना लेंगे एड का, दूसरा सेक्शन हम लोग बना लेंगे लेस का. अभी एक एक करके इन एडजस्टमेंट्स को हम देखते हैं. पहला एडजस्टमेंट बोला है डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडर कास्ट. अभी ध्यान देना, डेबिट साइड मतलब रिसीट साइड. डेबिट साइड मतलब क्या, रिसीट साइड. अगर हमारा रिसीट कम है, ध्यान दो, इफ आवर रिसीट इज लेस तो ऑब्वियसली द ओडी बैलेंस विल बी मोर. राइट, इफ आवर रिसीट इज लेस द ओडी बैलेंस विल बी मोर. देखो कैसे यूजली हम ये मेथड फॉलो करते हैं बीआरएस के लिए. राइट, और ये बहुत ही फुल प्रूफ मेथड है. देखो मान लेते हैं कि ये हमारा कैश बुक का ओडी है और ये हमारा पासबुक का ओडी बैलेंस है. दोनों ही जगह 50,000 रुपए की ओडी थी.
समझो हमने बैंक में एक 1,000 रुपए का चेक जमा किया, तो देखो 1,000 रुपए से हमारी जो ओडी है वो कम हो जाएगी, ये रिसीट है। बट मे बी कैश बुक में हमने इसको 600 माना, कितना माना 600। तो देखो हमारे जो कैश बुक की ओडी होगी वो 49,400 होगी और जो पासबुक की ओडी होगी वो 49,000 होगी। मतलब अगर रिसीट कम दिखाएंगे ना तो हमारे जो ओडी है उसका बैलेंस ज्यादा दिखेगा। तो इस सम के हिसाब से कैश बुक का रिसीट साइड कम है, मतलब कैश बुक की ओडी इज रिलेटिवली ग्रेटर एज कंपेयर टू दी पासबुक ओडी। तो सिंस कैश बुक की ओडी ज्यादा है पासबुक के कंपैरिजन में और हमें पासबुक को मैच करना है, इस वजह से हमें क्या करना है कि हमें ये जो 400 है इसको यहां से लेस करना पड़ेगा, राइट। दिस 400 हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड बिकॉज कैशबुक इज शोइंग अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ ओडी, पासबुक इज शोइंग अ लेसर अमाउंट ऑफ ओडी। तो ज्यादा से कम में जाने के लिए हमारा स्टार्ट पॉइंट कैशबुक है, तो ज्यादा से कम में जाने के लिए यहां पे हमें इसको लेस वाले सेक्शन में दिखाना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की। अ चेक ऑफ रूपीज 1600 इन फेवर ऑफ वाई सप्लायर्स लिमिटेड वॉज ओमिटेड बाय द बैंक फ्रॉम द स्टेटमेंट, द चेक वॉज डेबिटेड टू अनादर कस्टमर्स अकाउंट। देखो इसका क्या मतलब है, हमने एक चेक के द्वारा पेमेंट किया पर बैंक ने इस चेक का जो पेमेंट है हमारे अकाउंट से नहीं निकाला, किसी और कस्टमर के अकाउंट से ये पेमेंट निकाल लिया। तो देखो ध्यान देना, अगेन अज्यूम करते हैं कि हमारे कैशबुक और पासबुक, कैशबुक में ओडी बैलेंस है, पासबुक में भी ओडी बैलेंस है, दोनों जगह समझ लेते हैं 50,000 का ओडी बैलेंस है। हमने एक 1600 का चेक इशू किया ना, देखो पेमेंट करने से ओडी क्या होगा, इंक्रीज। तो हमने एक 1600 का चेक इशू किया तो हमारा कैशबुक का ओडी कितना हो गया 51,600। बट क्या बैंक ने हमारे पासबुक में इसका इंपैक्ट लिया? नहीं, इस पेमेंट को किसी अपने और कस्टमर के अकाउंट से रूट कर दिया। सो बेसिकली देखो जो पासबुक का बैलेंस है वो कितना रह गया 50,000। तो अभी देखो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कैशबुक से पासबुक में जाना है, राइट। तो क्या करना पड़ेगा, लेस 1600। एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस? तो इसका अगर हम एडजस्टमेंट देखेंगे तो यहां पे हमने बोला चेक्स इशूड बट रॉन्गली डेबिटेड बाय द बैंक टू अनादर कस्टमर अकाउंट 1600। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में बोला है अ चेक ऑफ रूपीज 172 ड्रॉन फॉर पेमेंट ऑफ टेलीफोन बिल वॉज रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक एज 127 बट वॉज शोन करेक्टली इन दी बैंक स्टेटमेंट। सिंपल समझो, हमने एक चेक के द्वारा टेलीफोन बिल का पेमेंट किया, चेक कितने का था 172 का, बट हमने हमारे कैश बुक में बैंक कॉलम में कितना लिखा 127। तो देखो इससे हुआ क्या, यहां पे हम पेमेंट कर रहे हैं, अगेन हम अज्यूम करते हैं कि कैशबुक और पासबुक दोनों में ही 50,000 का ओडी है। हमने पेमेंट किया तो ऑब्वियसली हमारा ओडी बढ़ेगा, कैशबुक में हमने ओडी कितने से बढ़ाया 172 के जगह 127, बट पासबुक में ओडी कितने से बढ़ेगा 172 बिकॉज बैंक ने कितने का पेमेंट किया 172 का बैंक ने पेमेंट किया। सो यहां पे कैशबुक में जो बैलेंस है वो आ जाएगा इतना और पासबुक में जो बैलेंस है ऑब्वियसली ज्यादा ओडी का बैलेंस रहेगा। तो अगर यहां से यहां जाना है हमें तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस 45, ठीक है। एब्सोल्युटली क्लियर, ये मेथड अगर तुम लोग यूज करोगे ना, राइट, मेरे वीडियोस में भी एक्सप्लेन्ड है, तो कभी भी आप मिस्टेक नहीं करोगे बिकॉज ये एलिमेंट अगर आपने सही से प्लॉट कर दिया तो ऐड करना है कि लेस करना है, जो डिसीजन लेना है वो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। तो इसके आंसर पे चलते हैं हम, यहां पे
वी विल से चेक इश्यूड फॉर 172 हैवर पोस्टेड इन द कैश बुक बैंक कॉलम एज 127.45 का जो डिफरेंस है वो हम ऐड कर लेंगे. नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चलते हैं. अ चेक फॉर ₹425 फ्रॉम मिस्टर पाल पेड इन टू बैंक वॉज डिसऑनर्ड एंड शोन एज सच ऑन द बैंक स्टेटमेंट ऑल्दो नो एंट्री रिलेटिंग टू द डिसऑनर ऑफ चेक वॉज मेड इन द कैश बुक. मतलब हमने बैंक में एक चेक जमा किया, वो चेक डिसऑनर हो गया, पर हमने कैश बुक में उस डिसऑनर का कोई भी इंपैक्ट नहीं लिया. तो देखो इसको डील करते हैं. चेक कितने का था? 425 मान लेते हैं यहां पे. ठीक है, मान लेते हैं यहां पे कि भाई हमारा 50,000 का बैलेंस है कैश बुक ओडी, और पासबुक में भी जो ओडी है वो भी 50,000 का है. हम जैसे ही चेक जमा करेंगे द ओडी विल गो डाउन ना, जैसे ही हम चेक जमा करेंगे रिसीट होगा द ओडी विल गो डाउन. तो हमने 425 से हमारी ओडी कम कर दी. राइट, 425 से हमारी ओडी कम कर दी, तो हमारा आ गया 49575. राइट, हमारी ओडी कितनी आ गई? 49575. बट क्या बैंक में ये पैसा आया? नहीं, बैंक में ये पैसा आया ही नहीं. ये चेक क्या हो गया? डिसऑनर. क्या डिसऑनर को हमने कैशबुक में डील किया? नहीं, कैशबुक में इसको डील नहीं किया. तो अभी मेरे को इधर से इधर पहुंचना है, 49 से 50 अगर पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? प्लस 425. एब्सोल्यूटली क्लियर व्हाट वी विल डू? प्लस 425. तो हम हमारे सॉल्यूशन में चलते हैं और यहां पे ऐड वाले सेक्शन में देखो, हमने लिखा चेक डिपॉजिटेड रिटर्न डिसऑनर्ड नो एंट्री मेड इन दी कैश बुक. इसलिए हमने हमारी पासबुक की ओडी ज्यादा थी, कैश बुक की ओडी कम थी, जिसको हमने एडजस्ट कर लिया. देन द बैंक हैड डेबिटेड. डेबिटेड मतलब पेमेंट. हाँ, हमेशा याद रखना कि बैंक में डेबिट मतलब पेमेंट, कैश बुक में डेबिट मतलब रिसीट. द बैंक हैड डेबिटेड अ चेक फॉर ₹150 टू मिस्टर हरीज अकाउंट बाय मिस्टेक. इट शुड हैव बीन डेबिटेड बाय देम टू मिस्टर कर्ज अकाउंट. मतलब हमारे अकाउंट में गलती से बैंक ने एक पेमेंट दिखा दिया. राइट, हमारे अकाउंट में गलती से बैंक ने एक पेमेंट दिखा दिया. सेम मेथड यूज करेंगे. कैश बुक में ओडी है, पासबुक में भी ओडी है, 50,000 का दोनों जगह ओडी है. भाई हमने तो कोई चेक इशू नहीं किया था, किसी और ने चेक इशू किया था, बट फिर भी उसका पेमेंट हमारे अकाउंट से दिखा दिया. तो भाई हमारे पासबुक में तो ओडी इंक्रीज हो गई ना, बिकॉज उन्होंने हमारे अकाउंट में एक पेमेंट दिखाया. क्या इसको हम कैशबुक में रिकॉर्ड करेंगे? ऑब्वियसली नहीं करेंगे, बिकॉज हमने ये पेमेंट किया नहीं है. सो देखो, कैशबुक की ओडी 50,000 है और पासबुक की ओडी 150 है. मैच करना है, क्या करना पड़ेगा? प्लस 150 करना पड़ेगा इन योर सम. तो देखते हैं इसका ट्रीटमेंट हम. तो यहां पे बैंक रॉन्गली डेबिटेड आवर अकाउंट 150. क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चलते हैं. अ डिविडेंड ऑफ ₹100 वॉज कलेक्टेड बाई द बैंक बट वॉज नॉट एंटर्ड इन दी कैश बुक. मतलब क्या हुआ कि दोनों ही जगह 50,000 का ओडी है. हमारे बैंक में एक डिविडेंड का पैसा आया, ऑब्वियसली रिसीट होने से द ओडी विल डिक्रीज. हमारी ओडी बैंक में कितनी हो गई? 49,900. क्या इसकी एंट्री हमने हमारे कैश बुक में की? नहीं. तो इस वजह से अभी हमारी कैश बुक की ओडी कितनी है? 50 से 49,900 तक अगर हमें पहुंचना है, व्हाट वी नीड टू डू? लेस 100. राइट, क्या करना है? लेस 100. तो हम चलते हैं यहां पे हमारे सॉल्यूशन में, और यहां पे लेस वाले सेक्शन में वी विल से डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक. क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट अपन आते हैं. चेक्स टोटलिंग ₹1300 ड्रॉन ऑन नवंबर
वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. क्या बोला, एक कुछ चेक्स हमने इशू किए हैं 1300 के नवंबर के महीने में, करंट महीने में 1300 के चेक्स हमने इशू किए, बट अभी तक बैंक ने उसका पेमेंट नहीं किया है, बिकॉज जिसको ये चेक्स हमने दिए हैं उन्होंने चेक्स को पेमेंट के लिए बैंक पर प्रेजेंट नहीं किया है. तो देखो ये भी बड़ा सिंपल है, कैशबुक में 50,000 का ओडी, पासबुक में भी 50,000 का ओडी. देखो जैसे ही हम चेक्स इशू करेंगे हम इसको कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, कैशबुक में, और पेमेंट करने से हमारी ओडी इंक्रीज हो जाएगी. तो हमारी कैशबुक की ओडी कितनी हो गई, 51,300. बट क्या ये पैसा हमारे बैंक से गया? नहीं, ये पैसा हमारे बैंक से गया नहीं, बिकॉज जिनको हमने ये चेक्स दिए हैं अभी उन्होंने पेमेंट के लिए इन चेक्स को प्रेजेंट नहीं किया. सो बेसिकली क्या करना है, हमें 51,300 से 50,000 तक जाना है, क्या करना पड़ेगा, लेस 1300. ठीक है ना, क्या करेंगे, लेस 1300. तो यहां पे इसके सोल्यूशन में चलते हैं. इसके सोल्यूशन में चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट कितना आ गया, 1300. तो बाय दिस आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल दी, नहीं दो आइटम्स बचे हुए हैं, चलो उनको भी देखते हैं. फिर नेक्स्ट, चेक्स फॉर रुपीज 1200 डिपॉजिटेड ऑन 30th November वॉज नॉट क्रेडिटेड बाई दी बैंक. मतलब 1200 के चेक हमने बैंक में जमा किए बट उसका पैसा अभी हमारे बैंक में आया नहीं है. सो ये भी देखो सिंपल है, दोनों साइड 50,000 की ओडी हमने अज्यूम कर ली. चेक हमने डिपॉजिट किए मतलब रिसीट हुआ, क्या हुआ, रिसीट. तो जो कैशबुक है उसकी ओडी हमारी कम हो गई, कितनी हो गई, 48,800 ये ओडी हो गई. बट पासबुक में इसका कोई भी इम्पैक्ट आया नहीं बिकॉज ये पैसा अभी बैंक ने कलेक्ट किया नहीं है. तो कैशबुक की ओडी कम, पासबुक की ओडी ज्यादा, इसको मैच करना है, क्या करना पड़ेगा, एड 1200. व्हाट डू वी नीड टू डू, एड 1200. तो ये हमारे सोल्यूशन में चलेंगे, सोल्यूशन में चलेंगे, एड वाले सेक्शन में जाएंगे और यहां पे हमें मिलेगा एड 1200 चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड. एंड फाइनली इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू रुपीज 300 वॉज डेबिटेड बाय द बैंक बट येट टू बी एंटर्ड इन दी कैश बुक. देखो हमेशा याद रखना, डेबिटेड बाई दी बैंक का मैंने क्या मतलब बोला था, डेबिटेड बाई दी बैंक मतलब होता है पेमेंट, डेबिटेड इन दी कैश बुक का मतलब क्या होता है, रिसीट. तो ये डेबिटेड बाई दी बैंक है ना, मतलब एक पेमेंट हुआ, बैंक ने हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट चार्ज किया बट हमने इसको कैश बुक में अभी रिकॉर्ड नहीं किया. तो देखो इसको भी डील कर लेते हैं, कैश बुक में भी 50,000 की ओडी है, पासबुक में भी 50,000 की ओडी है. बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया तो हमारा ओडी बैलेंस बढ़ जाएगा, 50,300 हो जाएगा. कैशबुक में हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया तो कैशबुक की ओडी अभी भी 50,000 है. कैशबुक से पासबुक मैच कराना है, क्या करोगे, एड 300 इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक इन दी पासबुक. एब्सोल्युटली क्लियर. तो इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं, ये हो गया हमारा एड वाले सेक्शन में, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. तो ये हमारा बीआरएस बन गया, सारे एडजस्टमेंट कर लिए, एड वाले को ऐड कर लिया, लेस वाले को लेस कर दिया. मेन हमारा जो आंसर आया वो आया 3200 बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक. अभी देखो दो चीज बताता हूं, एक सीए जैसे हमारा प्रैक्टिकल कोर्स है जिसको आप पढ़ते हो बट फिर जब प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे तो अप्लाई करोगे. बैंक रिकंसिलिएशन एक ऐसा टॉपिक है ना, जब आप आर्टिकलशिप में जाओगे आफ्टर यू क्लियर योर इंटर एंड यू स्टार्ट योर आर्टिकलशिप, पहला काम जो आपको इंटरेस्ट किया जाएगा ना, द फर्स्ट ईयर आर्टिकल वुड बी एक्सपेक्टेड कि आप बीआरएस ठीक से चेक कर पाते हो, और चेक तभी ठीक से कर पाओगे जब आपका बीआरएस का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है. तो हमेशा मैं बोलता हूं अकाउंट्स को एकदम कॉन्सेप्ट से देखो, बिकॉज फाउंडेशन, इंटर, फाइनल तीनों लेवल पर है. एंड वी एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हम माना जाता है कि हम अकाउंट्स में एक्सपर्ट्स है, तो हमारा जो
कॉन्सेप्ट है हर एक टॉपिक को लेकर, हर एक एरिया को लेकर वो एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए. एंड आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट यू ऑल कि गिवन द इंटेंसिटी ऑफ द कोर्स, यार ऐसे मत पढ़ो कि बस पढ़ के रट के चला जाना है और बस एग्जाम क्लियर करना है. ऑलवेज स्टडी विथ अ जील, विथ एंथुजियाज्म के यार कुछ सीखेंगे नया, कोई नया कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे. और लाइफ में ये देखो हमारा प्रोफेशन है, जैसे लेट्स से आई एम अ सीए, तो थ्रू आउट द लाइफ ये जो प्रोफेशन है मेरे को कंडक्ट करना है, तो उसको जैसे तैसे करेंगे तो मजा नहीं आएगा. दिल से करेंगे, इंजॉय करके करेंगे, पैशन से करेंगे, तभी जाके इस काम को करने में मजा है. तो यू एज स्टूडेंट योर वर्क इज स्टडीज, तो पैशन से पढ़ो यार. ऐसे पढ़ोगे यार, पढ़ रहे हैं एक बार पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, सो दैट जीवन भर उसको हम हमारे लाइफ में यूज कर सके. अभी और एक चीज इधर बता रहा हूं कि मार्किंग स्कीम मैंने आपको दी थी ना, देखो ये जो आंसर है, आंसर पे मैंने कितने मार्क अलॉट किए थे, 1 मार्क. मतलब ऐसा जो मिसअंडरस्टैंडिंग बच्चों को रहता है ना कि अगर आंसर गलत आया ना सर तो मार्क्स कट जाएंगे, ऐसा नहीं है. जब भी कोई एग्जाम में आंसर शीट या आंसर पैटर्न बनाया जाता है, स्टेप वाइज मार्किंग होती है. एंड फॉर ईच करेक्ट एंट्री, देखो ना हर एक करेक्ट चीज के लिए, हर एक करेक्ट एंट्री के लिए आपको यहाँ पे मार्क्स अलॉट किए गए हैं. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा राइट जाएगा तभी मार्क्स मिलेंगे. आपका जितना कॉन्सेप्ट है, जितने तक आप प्रॉपरली अटेम्प्ट करोगे, आपको वहां पे उतने मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अकाउंट करंट का, और ये जो क्वेश्चन है इसमें रेड इंक इंटरेस्ट का भी एप्लीकेशन है, बिकॉज 2 पॉइंट्स पे हमने देखा है कि भाई यहाँ पे जो ड्यू डेट है दैट्स बियॉन्ड द डेट ऑफ द लेट्स से प्रिपरेशन ऑफ द अकाउंट करंट. एक बार रीड करते हैं. द फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शंस दैट टुक प्लेस बिटवीन जी एंड एच ड्यूरिंग द पीरियड 1 अक्टूबर 17 टू 31 मार्च 18. अभी देखो करना क्या है, ड्रॉ अप एन अकाउंट करंट एज ऑन 31 मार्च 18. तो ये अकाउंट करंट कब बनना है, 31 मार्च 18 को. टू बी रेंडर्ड बाई जी, कौन बना रहा है, जी बना रहा है. मतलब जो अकाउंट बनेगा किसके बुक में बनेगा, जी के बुक में, राइट, इन दी बुक्स ऑफ जी. टू एच किसको देगा, एच को देगा. तो इन दी बुक्स ऑफ जी क्या बनाना है हमें, एच का अकाउंट बनाना है. चार्जिंग इंटरेस्ट एट द रेट 10% कर पर एनम, और इंटरेस्ट को हमें राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट रुपी. ध्यान से पढ़ना. तो बेसिकली करना क्या है, हमें एच का अकाउंट बनाना है जी के बुक में, राइट, एच का अकाउंट बनाना है जी के बुक में. अभी देखो क्या बोला, बैलेंस ड्यू टू जी बाय एच. ध्यान से समझना, बैलेंस ड्यू टू जी बाय एच मतलब जी को मिलना है, एच को देना है. जी के लिए ये रिसीवेबल है और एच के लिए ये पेएबल है, राइट. जी को मिलना है और एच को पे करना है. तो जी के पर्सपेक्टिव से जी सपोज टू रिसीव मनी, राइट, जी सपोज टू रिसीव मनी. तो ये जो 3,000 ये कौन से नेचर का बैलेंस है, डेबिट बैलेंस. कौन सा बैलेंस है, डेबिट, बिकॉज इट इज रिसीवेबल बाय जी. बैलेंस ड्यू टू जी बाय एच, जी सपोज टू रिसीव, एच इज सपोज टू इस वजह से ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है. देखो जब भी अकाउंट करंट के सम करेंगे ना, बेसिक एंट्रीज होती है, सारी एंट्रीज और डिटेल लिख लेने का फिर प्रोसीड करने का. तो देखो ये भी मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व किया है. यहां पे हम लिखेंगे एच इन अकाउंट करंट विद जी, एच का अकाउंट बना रहे हैं जी के बुक्स में. इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है एज एट 31 मार्च 18, और रेट दिया हुआ है 10%. देखो यहाँ पे जो डेट दी गई है वो 1 अक्टूबर 17 है, तो 1 अक्टूबर 17 लिखेंगे. ड्यू डेट कुछ दी नहीं गई है, तो जो डेट ट्रांजैक्शन की होती है वही ड्यू डेट बन जाती है. बैलेंस लिखेंगे डेबिट साइड पे, राइट, बैलेंस लिखेंगे डेबिट साइड पे 3,000. अभी एंट्रीज लिखा देते हैं, फिर जो डेज का कॉम्प्यूटेशन है वो बता दूंगा. फिर इसके बाद
गुड्स सोल्ड बाय जी टू एच, तो जी अपने बुक में क्या करेगा, एच टू सेल्स, तो यहां पे टू सेल्स आ गया ऑन 1810। फिर गुड्स सोल्ड बाय एच टू जी, तो एच ने बेचा, जी ने खरीदा, तो जी के पर्सपेक्टिव से क्या है, परचेस। फिर एच टू जी मतलब जी के लिए क्या है, परचेस। डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन 16 नवंबर एंड 7 दिसंबर है, बट जो हमारा ड्यू डेट है वो 26 नवंबर एंड 17 दिसंबर है। तो यहाँ पे बाय परचेस करके लिखेंगे हम, ये ट्रांजैक्शन का डेट आ गया और ये हमारा ड्यू डेट आ गया। इसके बाद प्रोमिसरी नोट गिवन बाय जी टू एच, तो जी ने दिया एच को मिला, तो जी ने प्रोमिसरी नोट दिया ना, मतलब जी हैज प्रोमिस टू पे। सो बेसिकली एंट्री क्या होगा, एच को हम डेबिट करेंगे और जी अपने बुक्स में टू बिल्स पेबल दिखाएगा, बिकॉज प्रोमिसरी नोट इज एज गुड एज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मतलब यहाँ पे जी ने एक कमिटमेंट दिया कि फ्यूचर डेट पे मैं आपको पैसे दूंगा, मतलब उसने एक लायबिलिटी क्रिएट की अपनी। तो यहाँ पे 3 जनवरी को हम लोग लिखेंगे टू बिल्स पेबल, अमाउंट हो गया 5,000। अभी देखो ये 3 महीने का बिल है ना, इसलिए ड्यू डेट यहां पे हमने क्या लिखी, 6/4। कैसे ये 6/4 ड्यू डेट आएगी, देखो 3rd of January का प्रोमिसरी नोट है, 3rd of January का ये प्रोमिसरी नोट है, और इसका मैच्योरिटी टर्म कितना बोला है, 3 months। तो जनवरी में 3 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, अप्रैल। तो 3rd April ड्यू डेट आ जाएगा, प्लस 3 days ऑफ ग्रेस जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 April विल बी आवर ड्यू डेट, राइट। तो जनवरी के बाद फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीना प्लस 3 days ऑफ ग्रेस, तो इस तरह से हमारा ड्यू डेट आ गया। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो क्या बोला, पेड बाय जी टू एच, जी ने पैसे दिए तो टू कैश लिख देंगे हम यहाँ पे ऑन दिस पर्टिकुलर डेट। फिर बोला गुड सोल्ड बाय जी टू एच, तो इसका सेल्स है तो यहाँ पे टू सेल्स लिख देंगे ऑन दैट पर्टिकुलर डेट। फिर बोला गुड सोल्ड बाय एच टू जी, मतलब हमारे लिए ये परचेज है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय परचेज, दिस इज द इनवॉइस डेट एंड दिस इज द ड्यू डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो ये देखो हमने क्या किया ना, बेसिक सारे ट्रांजैक्शंस को पोस्ट कर दिया। अभी यहाँ पे हमें क्या करना होता है, ड्यू डेट से अकाउंट करंट जिस दिन तक बन रहा है उस दिन के नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करके हमें इंटरेस्ट का कॉम्प्यूटेशन करना होता है। तो यहां पे देखो क्या करेंगे, सबसे पहला ट्रांजैक्शन हमारा कब हुआ है, ऑन 10th, ऑन 1st October, विच इज द ओपनिंग बैलेंस। तो हमें क्या करना है, 1st October से लेकर 31st मार्च तक का कैलकुलेट करना है। अभी मैं वापस ऊपर मत जाऊं नहीं जाऊंगा, आप लोग डेट्स का ख्याल रखना और मैं आपको ये नंबर ऑफ डेज का कॉम्प्यूटेशन दिखाऊंगा। तो देखो अक्टूबर के 31 डेज हम लेंगे, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, जनवरी के 28, मार्च के 31, टोटल कितना हो गया, 182 डेज। फिर नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो 18th अक्टूबर को हुआ, कब तक कैलकुलेट करना है, 31st of March। तो देखो अक्टूबर में टोटल 31 डेज होते हैं और हमारा डेट ऑफ द ड्यू डेट क्या है, 18th। कौन सा ये डेट हम लोगों ने लिया है, ड्यू डेट से कैलकुलेट करेंगे। सो जो ड्यू डेट है वो कौन सा है, 18, तो 31 माइनस 18, अक्टूबर के 13 डेज। फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च कितना हो गया, 164 डेज। इसके बाद नेक्स्ट ड्यू डेट थी 26th of November, तो अक्टूबर में 0, नवंबर में 30 डेज होते हैं उसमें से ये 26 माइनस करेंगे 4 दिन, फिर दिसंबर, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च टोटल आ गया। फिर 17th December, तो अक्टूबर 0, नवंबर 0, दिसंबर में 31 डेज में से 17 डेज हमने माइनस कर दिए, विच इज द ड्यू डेट 14, और बाकी दिन करके ये आ गया। फिर 4th of February, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी गॉन, फेब्रुअरी 18 है विच इज नॉट ए लीप ईयर, इसलिए 28 डेज माइनस 4th of February, 24 + 31 कितना आ गया, 55। एंड देन 21st मार्च से 31st मार्च विल बी 10 डेज। अभी यहां पे देखो दो डेट्स ऐसे हैं, ये कॉम्प्यूटेशन होपफुली आपको समझ में आया है।
अभी देखो यहाँ पे दो ऐसे ड्यू डेट्स है ना जो हमारे 31 मार्च के बियॉन्ड है। देखो एक ये आ गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, दूसरा ये जो लास्ट वाला परचेज था उसका जो कि बियॉन्ड 31 मार्च जा रहा है। तो जब भी अकाउंट करंट के बियॉन्ड के ड्यू डेट आपको मिलेंगे वो रेडिंग इंटरेस्ट का सम बन जाएगा। हम क्या करेंगे, हम उसके कॉन्ट्रा में लिखेंगे, जैसे ये टू बिल्स पेएबल है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे बाई रेडिंग प्रोडक्ट एज पर कॉन्ट्रा, जो 5,000 का अमाउंट है वो 5,000 आएगा, और नंबर ऑफ डेज में यहाँ 6 आएगा, अमाउंट कॉलम में कुछ नहीं आएगा, नंबर ऑफ डेज में क्या आएगा 6, विच इज ड्यू डेट जो हमारा अकाउंट करंट का डेट है उसके बाद से दिन गिनने हैं। तो 31 मार्च तो खत्म हो गया, अप्रैल के कितने दिन, 6 डेज, तो 55,000 इंटू 6 हमारा 30,000। सिमिलरली ये वाला जो इसका ऑपोजिट साइड हम यहाँ पे बनाएंगे, लिखेंगे टू रेडिंग प्रोडक्ट एज पर कॉन्ट्रा 2700 इंटू 8 डेज, बिकॉज 8th of April है, एंड ये यहाँ पे प्रोडक्ट लिख देंगे। फिर डेबिट साइड का जब हम टोटल करेंगे ना, ये टोटल हमें मिलेगा 1075600, ये यहाँ पे लिखेंगे और माइनस करेंगे तो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट हमें मिलेगा 1,81,600। ये 1,81,600 पे 10% के हिसाब से एक दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 50 मिलेगा। ये कौन से कॉलम में डालना है, अमाउंट के कॉलम में हमें डालना है। फिर अमाउंट का कॉलम टोटल करेंगे और यहाँ पे ये 5,650 का हमें बैलेंसिंग फिगर मिलेगा। क्लियर है, इजी सम था, खाली नंबर ऑफ डेज का कॉम्प्यूटेशन सही से करने की जरूरत है। अगर नंबर ऑफ डेज का कॉम्प्यूटेशन गलत जाता है तब बहुत ही प्रॉब्लम आएगी। और कैसे करना है, मेथड बहुत इजी है, याद रखना ओपनिंग बैलेंस के लिए महीने के जितने दिन है सारे के सारे लेने हैं, पर बाकी कोई और ट्रांजैक्शन है जैसे 18th अक्टूबर, तो हमने क्या किया, अक्टूबर के 31 डेज माइनस द ड्यू डेट बैलेंस आया और उसके बाद सीधा सीधा हमें गिनते हुए जाना है। सो बी केयरफुल अबाउट दिस, होपफुली आप सबने ये सही किया होगा। 5 मार्क का क्वेश्चन आता है और यूजली मैंने देखा है रेपिटेटिवली ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एक चीज यहाँ पे क्या है ना कि ये ट्राई करना एकदम एंड में अटेम्प्ट करने का, क्यों, बिकॉज मार्क के कंपैरिजन में इसको सॉल्व करने में हम काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं, जिससे 5 मार्क का सम अटेम्प्ट करने के लिए हो सकता है कि हमें 15 मार्क का समय लग जाए, जिन लोगों को ये कॉम्पिटिशन फास्ट नहीं होता है। तो प्लीज इंश्योर कि एकदम लास्ट में करूँ, छूटेगा भी तो 5 मार्क का छूटेगा, बट अगर करने गए और बहुत एक्सेस टाइम तुमने इसमें ले लिया ना, तो मैं भी 20 मार्क का पेपर छूट जाएगा, 15 मार्क का पेपर छूट जाएगा बिकॉज ऑफ दिस। तो बी वेरी केयरफुल विद दिस टॉपिक। फिर नेक्स्ट एवरेज ड्यू डेट का सम था, काफी इजी सम था। महनाज एक्सेप्टेड द फॉलोइंग बिल्स बाय शहनाज, तो 8th मार्च का बिल था 4,000 का 4 मंथ, 16th मार्च का बिल 5,000 का 3 मंथ मेच्योरिटी, 7th अप्रैल 6,000 5 मंथ मेच्योरिटी, 17th मई 5,000 3 मंथ मेच्योरिटी। ही वॉन्ट्स टू पे ऑल द बिल ऑन अ सिंगल डे, फाइंड आउट दिस डेट, मतलब यहाँ पे हमें एवरेज ड्यू डेट निकालने का बोल रहे हैं। इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट 18% पर एनम एंड वेनाज वॉन्ट्स टू सेव 157 ऑफ इंटरेस्ट, मतलब उसको 157 का एक तरह से डिस्काउंट चाहिए, उसको क्या करना है, उसको एक प्री पेमेंट करना है जिसके वजह से उसको 157 का डिस्काउंट मिले। कैलकुलेट द डेट ऑन विच ही हैज टू अफेक्ट द पेमेंट टू सेव एन इंटरेस्ट ऑन 157। तो देखो एवरेज ड्यू डेट क्या होता है, एक ऐसा डेट जहां पे इंटरेस्ट का कोई भी इंपैक्ट नहीं रहता, इट्स एन इंटरेस्ट न्यूट्रल डेट। एवरेज ड्यू डेट के बियॉन्ड अगर आप पे करते हो तो सामने वाले को आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और एवरेज ड्यू डेट से पहले अगर आप पेमेंट कर देते हो, सेटलमेंट कर लेते हो, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं अपन। व्हील से कॉम्प्यूटेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन लिखा, ड्यू डेट लिखा, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट, ये बेस डेट यूजली कौन सा लेते हैं, सबसे अर्लीएस्ट ड्यू डेट, कौन सा लेते हैं, सबसे अर्लीएस्ट ड्यू डेट, अमाउंट एंड देन डेज इनटू
अमाउंट करेंगे तो इसका प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिलेगा। तो ये क्वेश्चन से हमने सारे ड्यू डेट्स कॉपी कर लिए, सॉरी ट्रांजैक्शन डेट्स कॉपी कर लिए। ट्रांजैक्शन डेट्स के बाद यहाँ पे हमने बेस्ड ऑन मेच्योरिटी जो टाइम दिया था उस हिसाब से हमने यहाँ पे उसके ड्यू डेट निकाले। इसको भी मैं एक बार करके बता देता हूं। जैसे पहले केस में दी नंबर ऑफ मेच्योरिटी, पहले केस में 4 मंथ्स का मेच्योरिटी है, तो देखो किस तरह से हमें यहां पे करना है। देखो 8th of March है ना, तो यहां पे हम 8th March लिखेंगे, 4 महीने आगे जाना है इससे ना। तो 8 तो 8 रहेगा, 3 प्लस 4 कितना हो गया 7, राइट। 3 प्लस 4 कितना हो गया 7, और 3 days ऑफ ग्रेस जोड़ना है मतलब कितना हो गया 11th of July। तो इसी तरह से आपके सारे कॉम्प्यूटेशन होंगे। अभी देखो बेस डेट अर्लीएस्ट ड्यू डेट को लेते हैं, तो 19th जून 2018 इज द अर्लीएस्ट ड्यू डेट। इससे हम बाकी सारे ड्यू डेट्स का जो डिस्टेंस है वो निकालेंगे। तो हमें ये जो बेस डेट है इससे निकालना है कि भाई 7th ऑफ जुलाई, सॉरी 11th ऑफ जुलाई कितना दूर है। कैसे निकालेंगे, देखो जून जो होता है उसमें 30 डेज होते हैं और 19th इज द ड्यू डेट, तो 30 में से 19 करेंगे कितना आ गया 11। और जो जुलाई है, जुलाई का डेट क्या है, 11th ऑफ जुलाई इज दी ड्यू डेट, तो हमारा आंसर कितना आया 22। ये बहुत ही कॉशियस से करना है बिकॉज इसमें गलती हुई पूरा सम गलत। सेकंड फिर बता रहा हूं, ये तो 19 to 19 जीरो ही आएगा। फिर हमें 19th जून से 10th ऑफ सितंबर निकालना है, तो देखो जून का तो सेम वेज 30 माइनस 19, 11 डेज ऑफ जून। जुलाई का कितना 31, अगस्त का कितना 31, और सितंबर का कितना 10। तो ये 3 और ये हो गया हमारा 8, तो ये हमारा आ गया 83 डेज। तो इस तरह से हमें कॉम्प्यूटेशन करना है, मल्टीप्लाई करेंगे इन लोगों को तो हमारा प्रोडक्ट निकल जाएगा, प्रोडक्ट इतना और हमारा अमाउंट इतना। एवरेज ड्यू डेट कैसे निकालते हैं, बेस डेट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ प्रोडक्ट एंड टोटल अमाउंट। तो बेस डेट इज 19th जून और टोटल ऑफ प्रोडक्ट इज 8,86,000 एंड अमाउंट इज 20,000। और बेस डेट में इसको हम सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 44.8। तो ऑब्वियसली हमें हायर साइड यहाँ पे हमेशा राउंड ऑफ करना चाहिए बिकॉज 44.8 डेज मतलब ऑब्वियसली 45 डेज में ये जाएगा। तो हमें क्या करना है कि जो हमारा एवरेज ड्यू डेट है वो 19th जून 18 से 45 डेज अवे है, राइट। 19th जून 18 से 45 डेज अवे है। तो इसका भी कैसे कैलकुलेशन देखो हम करेंगे। 19th जून से 45 डेज जाना है ना, तो देखो 19th जून है, जून में टोटल डेज कितने होते हैं 30, तो यहां पे जब हम 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 30, तो 11 डेज आ गए। फिर क्या आएगा जून के बाद, जुलाई, जुलाई में कितने दिन 31 डेज, तो 11 प्लस 31 कितना हो गया 42। हमें कितने डेज चाहिए 45। जुलाई के बाद कितना आएगा अगस्त, अगस्त के 3 दिन जोड़ेंगे तो यहाँ 45 आ जाएगा। तो 3rd of August विल बी आवर एवरेज ड्यू डेट। एब्सोल्युटली क्लियर। अभी इसके सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट में बोल रहे हैं कि 157 सेव करना है। अगर 157 आपको सेव करना है तो आपको प्रीपे करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये 157 क्या है, इट इज द इंटरेस्ट फॉर द नंबर ऑफ डेज ऑफ प्री पेमेंट। जितने नंबर ऑफ डेज आपने प्री पे किया उसका ये इंटरेस्ट अमाउंट है। तो देखो हम क्या बोलेंगे, वील से इफ मेहनाज वॉन्ट्स टू सेव इंटरेस्ट ऑफ 157, शी नीड्स टू मेक अ पेमेंट बिफोर द एवरेज ड्यू डेट। लेट द नंबर ऑफ डेज बिफोर विच पेमेंट हैज टू बी मेड बी एक्स, राइट। मतलब जितने दिन पहले पेमेंट करना है उसको एक्स मानते हैं। तो देखो ये 157 कैसे कैलकुलेट होगा, इनका अमाउंट जो ड्यू है वो कितना है 20,000, जिसके ऊपर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा। तो हम यहां पे बोलेंगे
20,000 into the rate of interest 18% into number of days divided by 365 is equal to 157. इतने दिन का इंटरेस्ट ये 157 है और इसको सॉल्व करेंगे फॉर एक्स तो हमारा आंसर आएगा 15.91 विच इज अप्रोक्सीमेटली 16 डेज. कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली 16 डेज. मतलब हमें एवरेज ड्यू डेट के 16 दिन पहले पेमेंट कर देना है. राइट, एवरेज ड्यू डेट के 16 दिन पहले, 16 डेज पहले हमें पेमेंट कर देना है. दैट इज देयरफॉर पेमेंट हैज टू बी मेड 16 डेज बिफोर द एवरेज ड्यू डेट टू सेव इंटरेस्ट ऑफ 157. देयरफॉर द पेमेंट हैज टू बी मेड ऑन 18th July 2018. और ये देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे. एवरेज ड्यू डेट 3rd August था ना, तो पीछे जाना है तो 3 दिन पीछे जाएंगे तो अगस्त का महीना तो सलट गया. टोटल कितना पीछे जाना है? 16 डेज. तो 3 हो गया तो बचा कितना? 13. जुलाई के महीने में 31 डेज, उसमें से 13 डेज हटाना है तो 18 जुलाई को हमें ये पेमेंट करना है तो हमें 157 का डिस्काउंट मिलेगा. एब्सोल्यूटली क्लियर. इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था डेप्रिसिएशन का, जहां पे एक सेकेंड हैंड मशीन के बारे में पहले बात हुई थी, फिर और एक मशीन खरीदा, फिर एक बेचा, फिर खरीदा. देखो इस तरह के सम में, प्लीज ध्यान देना, इस तरह के सम में हमें 15 से लेकर 18 तक का अकाउंट बनाने को बोला है. जब भी अगर मैं इस सम को एग्जाम में अप्रोच करूंगा ना, मैं एक समरी बना लूंगा इसका. किस तरह से? ध्यान देना. देखो हमें कौन कौन से साल में काम करना है, 2015, 2016, 2017 और 2018. इन 4 साल की अकाउंटिंग करनी है. पढ़ते हैं. मेजर्स ग्रीन चैनल परचेज द सेकेंड हैंड मशीन ऑन 1st January 2015. तो 2015 में एक परचेज हुआ ऑन 1st of Jan. For 1,60,000 and overhauling and erection expenses amounted to 40, मतलब total 2,00,000 का मशीनरी है, because ये खर्चे जरूरी थे मशीनरी को working condition में लाने के लिए. Another machine was purchased for 80,000 on 1st of July, तो और एक purchase हमने किया 1st of July 15 को, तो दो purchases हुए इस साल में. फिर बोला ऑन 1st July 2017 मशीनरी परचेज ऑन 1st January 2015 वॉज सोल्ड फॉर 1,00,000. तो देखो 16 का कुछ बोला नहीं, तो 16 में कोई मूवमेंट नहीं है, खाली डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज होगा और कुछ होगा नहीं. 17th में हमने एक सेल किया. किस डेट को किया? 1st July को हमने सेल किया. अनादर मशीनरी अमाउंटिंग टू सो मच वॉज इंस्टॉल्ड ऑन दिस डेट, तो हमने और एक परचेज किया 30th September को. अंडर द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस कंपनी प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, बट 2018 में हमने WDV 15% अडॉप्ट किया. तो 2018 में हमने क्या किया? चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. देखो ये करने से क्या हुआ ना, मेरा सम पे ग्रिप बन गया कि भाई मेरे को 4 साल के अकाउंट बना है ना, हर एक साल में क्या करने का है, 15 में 2 परचेजेस को अकाउंट फॉर करना है और डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, 16 में खाली डेप्रिसिएशन, 17 में 1 सेल 1 परचेज और डेप्रिसिएशन, और 18 में खाली डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. इन तरह के सम्स में है ना वर्क नोट बहुत जरूरी होता है. और वर्क नोट पे कैसे कंट्रोल बनेंगे? जितने डेट ऑफ परचेज है राइट, उतने हमें कॉलम बनाने चाहिए. तो ये सम मैं आपको रन थ्रू करता हूं, इसका सॉल्यूशन और मार्किंग स्कीम जो मैंने आपके साथ शेयर किया था उसके बेसिस पे करेंगे. तो ये तो हमने इन दी बुक्स ऑफ ग्रीन चैनल मशीनरी अकाउंट बना लिया. पहले इसके वर्क नोट के ऊपर लेकर जाता हूं. देखो वर्क नोट में हमने कौन से कॉलम बनाया? डेट, पर्टिकुलर्स, परचेज्ड ऑन, 3 डेट्स को हमने खरीदे थे, वो 3 कॉलम हमने बना लिए. अभी सम को ध्यान में रखते हुए ये वर्क नोट रन थ्रू करूंगा. 1st January 2015 को हमने 2,00,000 का मशीन खरीदा, 1st July को हमने 80,000 का मशीन खरीदा, और 31st December 2015 को हम डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन पे चार्ज करेंगे.
जो फर्स्ट डे को खरीदा था उस पे पूरे साल का, जो फर्स्ट जुलाई पे खरीदा था, दिसंबर, जुलाई टू दिसंबर 6 महीने का ये डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, ये WDV आ गया। 16 में तो कोई मूवमेंट नहीं है, खाली डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। SLM मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट पे करना है, इसलिए 2 लाख और 80,000 जो ओरिजिनल कॉस्ट है उस पे रेट लगेगा, डेप्रिसिएशन लगा दिया, ये WDV आ गया। 17th को, 17th ईयर में जुलाई में हमने ये वाला 2 लाख का मशीनरी बेच दिया। बेचा कब? 1st of July को। तो जनवरी टू जून का डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन 2 लाख 10% इंटू 6/12, ये क्या है 1/1/17 से लेकर 30th June 17 तक का डेप्रिसिएशन 10,000। WDV ऑन डेट ऑफ सेल कितना आ गया? 1,50,000। बेचा कितने में? 1 लाख में लॉस कितना हो गया? 50,000। फिर इसी साल में सितंबर में हमने और एक मशीनरी खरीदा 30,000 का, ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, सेकेंड मशीन का कॉस्ट 80,000, उस पर 10%, थर्ड मशीन का कॉस्ट 30,000, 10% खरीदा था हमने इसको फर्स्ट, हमने 30th सितंबर को, तो मतलब 1st अक्टूबर से लेके 31st दिसंबर 3 महीने का डेप्रिसिएशन। फिर ये मेरा WDV आ गया। 2018 में हमने हमारा मेथड चेंज कर दिया, WDV कर दिया, तो ये जो बैलेंस रहेंगे ना WDV मशीनरी का, उसके ऊपर हम डायरेक्टली 15% यहाँ पे लगा देंगे, ये हमारा डेप्रिसिएशन और ये हमारा बैलेंस आ गया। तो ये वर्क नोट के द्वारा हमने पूरी वर्किंग दिखा दी कि हर एक साल में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है और कितना प्रॉफिट या लॉस है ऑन सेल ऑफ दी एसेट। अब अपन चलेंगे अकाउंट में, देखो यहाँ पे 2 लाख का खरीदा 1st जनवरी को, 1st जुलाई को 24,000 डेप्रिसिएशन एज पर वर्क नोट रेफरेंस दे दिया, ये हमारा बैलेंस आ गया। और हर एक एंट्री में किस तरह से मार्क है वो मैंने मार्किंग स्कीम आपको दी हुई है, सो दैट यू आर एब्सोल्युटली क्लियर कि स्टेप मार्किंग आपको मिलेगी। फिर ये बैलेंस आ गया डेप्रिसिएशन वर्क नोट से, फिर हमने बैलेंस कैरेट डाउन कर लिया, ये 17 में आ गया डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड, सेल प्रोसीड्स एंड लॉस, जो 30,000 का मशीनरी खरीदा वो, और ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया, फिर हमारा बैलेंस आ गया। ये बैलेंस हमारा आ गया वर्क नोट 1 में, जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ये किया हो, एंड दिस इज द फाइनल क्लोजिंग बैलेंस। तो डेप्रिसिएशन का सम तो काफी इजी था, आई होप आप सबने सही किया होगा। राइट, आंसर शीट्स मेरे पास आए हैं, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट योर आंसर शीट्स जो आपने सेल्फ इवेल्युएट करके भेजी है। राइट, वंस आई लुक एट ऑल ऑफ देम तो मैं कॉन्क्रीट एक सजेशन लिस्ट बना लूंगा कि भाई कहाँ कहाँ पे आपने मिस्टेक्स की, और वो मिस्टेक्स आपके साथ एक वीडियो बना के शेयर करूंगा। अभी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो थोड़ा डिटेल्ड करा रहा हूं इसलिए समय लग रहा है, बिकॉज आई वॉन्ट, इस बेसिक एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जहां आप कॉन्सेप्चुअली गलत जा रहे हो वहां पे आपको हेल्प मिले। दो चीजें, एक तो कॉन्सेप्ट सही हो, सम को सही बनाने की कैपेसिटी डेवलप हो, ये होने के बाद दूसरा है टाइम मैनेजमेंट का एस्पेक्ट। जो हम मॉक टेस्ट सीरीज रन करेंगे वहां पे आपका टाइम मैनेजमेंट का एस्पेक्ट को भी सुधारेंगे। 2-3 मॉक टेस्ट हर एक सब्जेक्ट का लेने का मेरा प्लान है, सो दैट आप मतलब जब तक आपका एग्जाम आए तब तक एकदम एब्सोल्युटली आपका जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाए और आप अच्छा परफॉर्म करो, और आप मेरे को मैसेज भेजो कि सर ये जो टेस्ट सीरीज थी, जो कॉन्सेप्ट्स आपने दिए हमें हेल्पफुल हुए। राइट, और फिर आप मेरे साथ, एज यू वुड नो के इंटरमीडिएट लेवल पे आई डू अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट, फाइनल लेवल पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो थ्रू आउट द जर्नी फिर हम साथ में बने रहे। फिर नेक्स्ट समय हमारा फाइनल अकाउंट्स का, ये फाइनल अकाउंट्स एक बार होल्ड करता हूं, पहले सेल ऑन अप्रूवल पे चलते हैं बिकॉज ये फटाफट डिस्कस हो जाएगा, इसके बाद फाइनल अकाउंट्स पे चलेंगे। देखो क्या बोला कि मिस्टर गणेश सेंड्स आउट गुड्स ऑन अप्रूवल टू फ्यू कस्टमर्स एंड इंक्लूड देम इन सेल्स अकाउंट, मतलब ऑर्डिनरी सेल्स मेथड की बात हो रही है, अप्रूवल पे जो गुड्स भेज रहे हैं उसको नॉर्मल सेल्स के तरह ट्रीट करते हैं। ऑन 31st of March 2018 ट्रेड रिसीवेबल स्टूड इन द बैलेंस शीट एट 75,000, जिसमें एक 6,500 का डेटर इंक्लूडेड है जो गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल हुए थे, जिसके अगेंस्ट कोई भी इंफॉर्मेशन आई नहीं है। तो अभी भी अनअप्रूव सेल है ईयर एंड का 6,500, जो सेल हमने रिकॉर्ड किया है, बट अभी भी वो गुड्स अप्रूव नहीं हुए।
These goods were sent out at 30% over and above cost. ये please हमेशा ध्यान रखना कि मार्कअप कॉस्ट पे दे रहे हैं या सेल्स पे दे रहे हैं, बिकॉज ये मार्कअप का जो एडजस्टमेंट है वो आपको अप्रोप्रिएटली करना होगा बेस्ड ऑन द फैक्ट कि ये मार्कअप आपका कॉस्ट पे है या सेल्स पे है. अभी ये दो कस्टमर है राइट, जिनका ये टोटल 6500 बन रहा है. तो देखो अल्टीमेटली ईयर एंड पे हम क्या करते हैं, सेल रिवर्स करते हैं और कॉस्ट पे इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हैं. तो यहां तक का एडजस्टमेंट एक बार हम देख लेते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे. तो ये जो अनअप्रूव गुड्स है राइट, इसका जो सेल है वो हमें रिवर्स करना है और इसे हम इसकी हमें इन्वेंट्री आइडेंटिफाई करनी है. तो हम सेल्स अकाउंट को डेबिट करेंगे और ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे. और अगर आप सेल्स टू पार्टी ए पार्टी बी मतलब पार्टी के नाम के साथ भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. 6500 का सेल्स हमने रिवर्स कर दिया. अभी इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न टू ट्रेडिंग, इसकी इन्वेंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे. इन्वेंट्री हमेशा किस वैल्यू पे आती है, इन्वेंट्री कॉस्ट पे रिकॉर्ड होती है. तो ये जो है ये तो सेल्स वैल्यू है ना, और मार्कअप कितना दिया है 30% ऑन कॉस्ट, और जो वैल्यू है वो क्या है हमारी सेल्स. तो देखो दो तरह से कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि लेट द कॉस्ट बी एक्स, सो एक्स प्लस 30% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6500 एंड सॉल्व फॉर एक्स कर लो. और देखो ऐसे देखो ना, अब ये सब नहीं करना चाहिए, अब हमें पता होना चाहिए कि अगर कॉस्ट प्लस मार्कअप इज इक्वल टू सेल्स ना, तो देखो क्या होता है कि भाई कॉस्ट को हम वन मान लेते हैं, तो अगर एक रुपए का सेल किया है तो उसमें मार्कअप कितना होगा 30% के हिसाब से 30 पैसा, तो सेल्स कितना होगा 1.30. तो अभी डायरेक्टली कैलकुलेटर पे करना चाहिए 6500 डिवाइडेड बाय 1.30. जैसे ही 65,000 डिवाइडेड बाय 1.30 करोगे आपको आंसर मिल जाएगा 5000. ठीक है, बट अगर अभी भी आप एक से कंफर्टेबल हो यू कैन कीप ऑन डूइंग इट, बट शॉर्टकट करना जरूरी है बिकॉज जैसे जैसे आगे जाएंगे टाइम मैनेजमेंट विल बिकम वन ऑफ द लार्जर एरिया. तो ये दो एंट्रीज हमने कर ली. इस डेट की बैलेंस शीट भी हमें बनाने को बोला, तो दैट इज वाई वील से बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च. एक्सट्रैक्ट क्यों लिखेंगे, क्योंकि पूरी बैलेंस शीट की डिटेल्स हमारे पास नहीं है, जो डिटेल्स है उसके बेसिस पे हम आपको ये बता रहे है. तो यहां पे ट्रेड रिसीवेबल 75,000 के दिए थे, 6,500 का ट्रेड रिसीवेबल कम करना है बिकॉज देखो हमने एंट्री क्या की, ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट किया ना हमने 6,500 से बिकॉज ये अनअप्रूव सेल थी, तो हमारा ट्रेड रिसीवेबल आ गया 68,500. सब में दिया था कि हमारे पास 50,000 की इन्वेंट्री थी, ये तो इन्वेंट्री इन हैंड है, 5,000 की इन्वेंट्री कस्टमर के पास भी पड़ी हुई है उसको ऐड कर देंगे तो 55,000 की इन्वेंट्री हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे. अभी ईयर एंड के बाद क्या हुआ उसकी सब में डिटेल्स दी गई है, उसको हम देखते हैं. देखो क्या बोला, मिस्टर आदित्य सेंड इंटीमेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 25th, तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया. एंड मिस्टर बाकीराम रिटर्न दी गुड्स ऑन 15. तो जो एक्सेप्ट किया ना उसके लिए तो हम एंट्री करेंगे ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स बिकॉज ये कंफर्म सेल हुई, बट जो रिटर्न हो गया ईयर एंड के बाद उसकी हमें कोई भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ईयर एंड पे ही हम सारी सेल रिवर्स कर चुके थे. इसके लिए हम एक नोट करके दिखाएंगे कि भाई सेल तो पूरी ईयर एंड पे रिवर्स हो गई थी और गुड्स जो है वो हमने हमारे इन्वेंट्री में दिखा दिया था हेल्ड विद कस्टमर. ईयर एंड के बाद अगर वो रिटर्न कर रहा है तो ऑलरेडी सेल्स रिकॉर्डेड है ही नहीं, तो हमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है. तो इस वजह से यहाँ पे जो अप्रूव हुआ राइट वो हम एंट्री कर देंगे ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स राइट, मिस्टर आदित्य ने जो अप्रूव कर लिया. और जो रिजेक्ट हुआ उसके लिए हम लिख देंगे नो एंट्री रिक्वायर्ड ऑन 15 फॉर गुड्स रिटर्न, गुड शुड बी इंक्लूडेड फिजिकली इन द इन्वेंट्री. ये तो ठीक है, हमें क्यों एंट्री नहीं करनी है बिकॉज ऑलरेडी 31 मार्च को ये एंट्री हम रिवर्स कर चुके थे, इनको जो माल बेचा था उनका हम रिवर्सल कर चुके थे. तो काफी सिंपल सम था ये भी आता है 5 मार्क के लिए, ये
ये तो बोनस टॉपिक है, बिकॉज कम समय में ज्यादा मार्क्स की प्रोडक्टिविटी है, बहुत इजी टॉपिक है ये। अभी चलते हैं फाइनल अकाउंट्स के ऊपर। 20 मार्क का फुल फ्लेजेड सम मैंने आपको दिया था फाइनल अकाउंट्स में। अगेन फाइनल अकाउंट में भी याद रखना कि स्टेप मार्किंग के हिसाब से चेकिंग होती है, तो पूरा सम सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप मेजॉरिटी सम कर पाए हो तभी भी आपको अच्छी तरह से मार्किंग मिलेगी। अभी ये हमें एक ट्रायल बैलेंस दी थी, उसमें बहुत सारी डिटेल्स दी गई है, एक बार रीड कर लेते हैं। कैपिटल है, ड्रॉइंग्स है, फिक्स एसेट का ओपनिंग बैलेंस, फिक्स एसेट एडिशन जो कि मिड ऑफ द ईयर किया गया है, ओपनिंग स्टॉक परचेज, परचेज रिटर्न दिया है, सेल्स, सेल्स रिटर्न दिया है, डेटर क्रेडिटर एक्सपेंसेस, एफडी, इंटरेस्ट ऑन एफडी, कैश। अभी देखो यहाँ पे इस सब में क्या है ना, कैश का जो बैलेंस दिया है वो किसमें दिया है, क्रेडिट साइड है। मतलब इसको हमें क्या मानना है, वी हैव टू ट्रीट दिस एज एन ओडी, राइट, वी हैव टू ट्रीट दिस एज एन ओडी। देन सस्पेंस अकाउंट दिया है, कुछ गलतियां हैं बाद में उसकी डिटेल्स भी दी गई है। डेप्रिसिएशन 14,000 दिखा रहे हैं, फिर रेंट 17 मंथ्स का है, मतलब यहाँ पे प्रीपेड का हमें एडजस्टमेंट करना है। 12% इन्वेस्टमेंट है, अगस्त को ली गई है, तो इसका इंटरेस्ट तो कहीं दिखा नहीं, मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने के इंटरेस्ट का हमें यहाँ पे अक्रूड इंटरेस्ट और इंटरेस्ट इनकम का कॉम्पिटेशन करना होगा। फिर बैंक बैलेंस दिखाया है। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018 वो वैल्यूड एट 1 लाख, तो ये हमें क्लोजिंग स्टॉक की डिटेल दी गई है। डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड 10% पर एनम ऑन फिक्स एसेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर, तो देखो यहाँ पे फिक्स एसेट पे 10% का रेट है, ओपनिंग 1,40,000 है, तो इसके ऊपर तो ऑलरेडी डेप्रिसिएशन 14,000 चार्ज किया हुआ है। ये जो एडिशन हुआ है ना 2 लाख का, इसके ऊपर हमें 10% के हिसाब से पर एनम मतलब 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। बेसिकली 10,000 डेप्रिसिएशन बनेगा, बिकॉज 2 लाख इंटू 10% इंटू 6/12। अ स्क्रूटनी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिवील द फॉलोइंग, बोला 20,000 ड्रॉन फ्रॉम बैंक वॉज डेबिटेड टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, बट आउट ऑफ दिस अमाउंट विदड्रॉन 12,000 वॉज यूज इन बिजनेस फॉर डे टू डे एक्सपेंस। तो देखो इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ड्रॉइंग्स 8,000, एक्सपेंस 12,000 टू बैंक, दिस शुड हैव बीन द करेक्ट एंट्री। इसकी रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, ड्रॉइंग्स 2 बैंक 20,000। तो देखो रेक्टिफिकेशन एंट्री इसकी किस तरह से बनेगी, ड्रॉइंग्स को 20 से डेबिट किया है, होना कितने से चाहिए 8, तो ड्रॉइंग्स को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा कितने से, 12,000 से। बैंक में कोई भी गलती नहीं है, एक्सपेंस जो 12,000 से डेबिट होना चाहिए था वो हुआ नहीं है, तो एक्सपेंस टू ड्रॉइंग्स, या आप रिवर्स द रॉन्ग एंट्री पास द करेक्ट एंट्री के मेथड से भी देख सकते हो। तो ये पहला हमें जो एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है वो यहाँ पे आ गया, द एडजस्टमेंट एंट्री इज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग अकाउंट 12,000। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं हम, परचेज ऑफ गुड्स वर्थ रूपीज 16,000 वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अप टू 31 मार्च 2018, बट द गुड्स वर इंक्लूडेड इन स्टॉक। स्टॉक के अंदर तो है पर परचेज रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो परचेज रिकॉर्ड कर लो। परचेज रिकॉर्ड की एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे हमने एंट्री कर दी परचेज टू क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में परचेज में एड कर देंगे और क्रेडिटर्स से लेस कर देंगे। फिर परचेज रिटर्न ऑफ 1,000 वॉज रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न जर्नल एंड द अमाउंट वॉज करेक्टली पोस्टेड टू पार्टी अकाउंट ऑन द करेक्ट साइड। मतलब परचेज रिटर्न को गलती से सेल्स रिटर्न मान लिया, बट पार्टी अकाउंट को हमने सही तरह से डील किया। तो देखो इसका भी समझ लेते हैं, परचेज रिटर्न ऑफ 1,000 है ना, तो एंट्री क्या होगी, पार्टी टू परचेज रिटर्न 1,000। गलती क्या किया, हमने सेल्स रिटर्न के तरह ट्रीट कर लिया इसको, बट पार्टी को भी हमने सही ट्रीट किया, डेबिट किया, तो यहां पे टू
सस्पेंस क्रिएट हो गया है 2000। और देखो हमारे ट्रायल बैलेंस में भी देखोगे ना तो 2000 का ही सस्पेंस है, राइट। वो इस एंट्री से नलिफाई हो जाएगा, तो इसकी जो रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी देखो वो किस तरह से बनेगी, रिवर्स दी रॉन्ग एंट्री, सस्पेंस 2000 से डेबिट टू सेल्स रिटर्न टू पार्टी, एंड देन सही एंट्री बनेगी पार्टी टू परचेज रिटर्न 1000। देखो पार्टी पार्टी कैंसल, हमारी नेट एंट्री क्या बनी, सस्पेंस टू सेल्स रिटर्न टू परचेज रिटर्न। सस्पेंस 2000 से डेबिट हो गया, सेल्स रिटर्न 1000 से क्रेडिट, और परचेज रिटर्न 1000 से क्रेडिट। तो देखो सस्पेंस का एक क्रेडिट बैलेंस दिख रहा था, यहाँ पे डेबिट हो गया, सस्पेंस नलिफाइड। सेल्स रिटर्न हमें 1000, देखो सेल्स रिटर्न को हमने क्रेडिट किया है, मतलब सेल्स रिटर्न हमारा 1000 से कम हो जाएगा, और परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया है मतलब परचेज रिटर्न 1000 से बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न में जाएंगे और लिखेंगे लेस 1000, परचेज रिटर्न में जाएंगे लिखेंगे एड 1000, ठीक है। बिकॉज परचेज रिटर्न को सेल्स रिटर्न ट्रीट कर लिया था, तो सेल्स रिटर्न को कम करना था और परचेज रिटर्न को इंक्रीज करना था। एक्सपेंस इंक्लूड ₹6,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ पीरियड आफ्टर 2018। बेसिकली ये प्रीपेड है, तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। तो यहाँ पे ये दोनों एंट्रीज हम देख लेते हैं, सस्पेंस को हमने डेबिट किया, परचेज रिटर्न को क्रेडिट और सेल्स रिटर्न को क्रेडिट, एंड देन प्रीपेड एक्सपेंस को डेबिट किया और एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया बिकॉज ये अगले साल का खर्चा है। एंड इसके बाद नॉर्मली जिस तरह से हम लोग हमारा ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं, ट्रेडिंग पीएल बना लेंगे, सारी डिटेल्स ये सोल्यूशन आपके साथ शेयर कर दिया गया है। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, परचेज जो परचेज रिकॉर्ड नहीं हुआ था वो ले लिया, परचेज रिटर्न में 1000 का एडजस्टमेंट ऐड कर दिया, सेल्स रिटर्न में 1000 का एडजस्टमेंट लेस कर दिया और क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पे लेकर आ गए, एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में 50,000 दिया हुआ था, उसमें 6,000 हमने लेस कर दिया विच वॉज प्रीपेड, और 12,000 हमने ऐड कर दिया। अभी ये देखो 12,000 जो ऐड किया वो कौन सा है, ये फर्स्ट एंट्री जहां पे हमने एक्सपेंस को बढ़ाया था और ड्रॉइंग को कम किया था। इसके बाद रेंट में प्रीपेड पोर्शन को हमने लेस कर दिया, और इस प्रीपेड पोर्शन को हम यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस में लेकर आ गए, और ये जो 6,000 का प्रीपेड एक्सपेंस था उसको भी हम यहाँ पे लेकर आ गए, तो प्रीपेड टोटल हमारा बन गया। इसके बाद डेप्रिसिएशन 14 ऑलरेडी था, 2 लाख के ऊपर 10% 6 महीने का हमने प्रोवाइड किया। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट दिया हुआ था, इन्वेस्टमेंट 2,50,000 की थी, 12% के रेट से 8/12 हमने इंटरेस्ट बनाया, और साथ ही साथ अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया बिकॉज इन्वेस्टमेंट है बट उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला नहीं था इसलिए अक्रूड इंटरेस्ट लिया। एंड देन फाइनली वी हैव आवर नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट को हम कैपिटल के साथ ऐड करेंगे, ड्रॉइंग्स का जो अमाउंट है उसमें 12,000 जो गलत ड्रॉइंग रिकॉर्डेड था जिसको हमने एक्सपेंस टू ड्रॉइंग किया था उसको लेस कर देंगे, क्रेडिटर्स में 16,000 जो अनरिकॉर्डेड परचेज था ऐड करेंगे, ये जो कैश करके दिया गया था उसको ओडी के तरह रिकॉर्ड करेंगे, फिक्स्ड एसेट एडिशंस और लेस डेप्रिसिएशन यहाँ पे हम करेंगे, ये आ गया। अभी देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि सर यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में जो डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, देखो ये कुछ लोग सोच सकते हैं कि सर ट्रायल बैलेंस में जो 14,000 डेप्रिसिएशन दिया गया है ये बैलेंस शीट में हमने लेस क्यों नहीं किया, ये एसेट के वैल्यू के साथ ऑलरेडी एडजस्टेड है। कैसे, बिकॉज जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, तो डेप्रिसिएशन तो डेबिट हुआ बट फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम हो गई, ओनली दैट डेप्रिसिएशन विच इज नॉट प्रोवाइडेड इन द बुक उसको हमें यहाँ पे लेस करना है। इस वजह से ध्यान रखना
कि अगर ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन दिया गया है तो वो खाली पीएल में जाएगा, बट अगर डेप्रिसिएशन को तुम एडजस्टमेंट के रूट से लेकर जा रहे हो तब वो तुम्हारे पीएल में भी जाएगा और एसेट के वैल्यू से भी कम होगा. सो बेसिकली यहाँ पे फिक्स्ड एसेट एडिशन और लेस डेप्रिसिएशन जो एडजस्टमेंट वाला था वो क्लोजिंग स्टॉक डेटर आ गया, इन्वेस्टमेंट अक्रूड इंटरेस्ट बैंक की जो फिक्स डिपॉजिट है प्रीपेड एंड जो बैंक बैलेंस दिया हुआ था, एंड फाइनली दिस विल बी योर बैलेंस. एब्सोल्युटली क्लियर? तो देखो बाय दिस वी हैव रिकैप्ड, राइट, आई हैव टच्ड अपॉन ऑल दी आंसर्स. ऑब्वियसली ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अगर तुम बोलो कि भाई किसी ने ये टॉपिक्स किए ही नहीं है पहले या कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है और उसको समझ में ना आए तो बहुत चांसेस है, क्योंकि जब एक टॉपिक को आप डिटेल में करते हो कॉन्सेप्ट से समझते हो तभी इस तरह का जो क्विक रिकैप है आपको समझ में आता है. होपफुली दिस वुड हैव हेल्प्ड यू. बी प्रिपेयर्ड फॉर दी नेक्स्ट टेस्ट. ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना कि भाई टेस्ट चल रही है, वो लोग भी पार्टिसिपेट करें. एंड प्लीज मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, और अपने कमेंट्स के द्वारा प्लीज बताना कि आपको ये वीडियो किस तरह से हेल्पफुल हुआ. थैंक यू सो मच गाइस, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट टेस्ट.